हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WHMCS को इंस्टॉल करने के बारे में। कैसे आप WHMCS को इंस्टॉल कर सकते हो सी पैनल में। WHMCS को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। पहला है सॉफ्टवेयर क्लस से या साइट सॉफ्टवेयर से, सेकंड है मैनुअली इंस्टॉलेशन। मैनुअली इंस्टॉलेशन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि उसमें आपके पास WHMCS की जिप फाइल होनी चाहिए जिसको आप अपने पब्लिक HTML पे अपलोड करके इंस्टॉल करोगे। तो दोनों ही स्टेप मैं आज इस वीडियो में करके बताऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपने सी पैनल पे आ चुके हैं। सी पैनल पे आने के बाद यहाँ आपको साइट सॉफ्टवेयर सर्च करना है, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ WHMCS पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंस्टॉलेशन URL। तो ये आपके डोमेन को शो करेगा, आपके पास जितने डोमेन हैं एड ऑन डोमेन सबको शो करेगा अगर है तो, नहीं है तो एक ही सिंगल करेगा। उसके बाद आपको यहाँ सब डोमेन देना है या सब डायरेक्टरी देनी है जहाँ आप WHMCS को इंस्टॉल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल क्लाइंट एरिया बिलिंग, आपकी मर्जी है, किसी को भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपने बिलिंग चूज़ की तो आपका सब डोमेन या सब डायरेक्टरी पहले से क्रिएट होनी चाहिए पब्लिक _HTML पे, अगर नहीं है तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो यहाँ मैं पब्लिक HTML पे ही WHMCS को इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ एडमिन यूजर नेम देना है आपको, तो मैंने इसको एडमिन लिख दिया। एडमिन पासवर्ड देना है आपको, पासवर्ड तो इसने बहुत वीक बता दिया। उसके बाद आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी देना है, तो ईमेल में आप कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने एडमिन ईमेल आईडी दे दी है। सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो ये WHMCS आपके पब्लिक HTML के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट करना है आपको। हमारा WHMCS सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, बट इसमें अभी लाइसेंस का एरर आएगा क्योंकि हमसे कोई लाइसेंस पूछा नहीं गया। तो हमें इस पर राइट क्लिक करके न्यू टैब पे ओपन करना है। तो यहाँ मैं इसे न्यू टैब पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ इनवैलिड लाइसेंस आ चुका है, हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, मगर एक सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हेयर टू एंटर न्यू लाइसेंस की। यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ आपका यूजर नेम, पासवर्ड और लाइसेंस की मांगा जाएगा। तो सिंपल है, आपके पास ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। लाइसेंस की डालने के बाद आपको चेंज लाइसेंस की पे क्लिक कर देना है। तो ये इतनी दूर की वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। चेंज लाइसेंस की पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कुछ ऑप्शन देगा, तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो ये हमारा WHMCS सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे पब्लिक HTML के अंदर। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं WHMCS को मैनुअली इंस्टॉल करने। तो सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको पब्लिक HTML में जाना है। पब्लिक HTML में जाने के बाद आपको अगर WHMCS किसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट एरिया बिलिंग, तो आपको एक फोल्डर बनाना होगा। यहाँ हम फोल्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं फोल्डर बना लेता हूँ बिलिंग के नाम से, बिलिंग। इसके क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करते हैं और इस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे। अब यहाँ आपको अपलोड करना है अपनी जिप फाइल। तो मैं जिप फाइल अभी अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। मैंने डेस्कटॉप पे रखा है और इसे अपलोड करना है। अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करते हैं।
यह हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है, इसे हम गो बैक पे क्लिक करते हैं। इसे फिर इस फाइल पर राइट क्लिक करके हमें एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, उसी नाम से उसे ओपन करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, इसको मूव करना है बिलिंग पे। अब ये बिलिंग पे मूव हो चुका है, तो सिंपली हमें अपनी वेबसाइट को URL को ओपन करना है। हमारा जो सब डोमेन था या सब डायरेक्टरी थी उसको हमें नाम देना होगा, यहाँ पे स्लैश लगा कर एंटर करना है। तो यहाँ वेलकम टू WHMCS का ऑप्शन आएगा, फिर क्लिक है टू बिगिन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको आई एग्री करना है, बिगिन इंस्टॉल। यहाँ आपको अपने WHMCS का लाइसेंस डालना है, मैं थोड़ी देर में डाल देता हूँ। तो ये लोकल होस्ट रहेगा, ये 3306 रहेगा। डेटाबेस यूजर नेम हम ये MySQL डेटाबेस से बनाएंगे। यहाँ एक डेटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट डेटाबेस। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, अब हमें यूजर क्रिएट करना है। क्रिएट यूजर करना है, उसके बाद आपको गो बैक पे क्लिक करना है। दोबारा आपको नीचे आना है, ऐड यूजर टू डेटाबेस, इन दोनों को आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे ऐड क्लिक करना है, ऑल प्रिविलेज पे क्लिक करके मेक चेंजेस पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको ये यूजर नेम को कॉपी करना है यहाँ से। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन पे आ जाना है, यहाँ देना है यूजर नेम। अब डेटाबेस नेम को कॉपी करना है और उस डेटाबेस नेम पे इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ आपको अपना डेटाबेस का पासवर्ड डालना है, जो भी आपने अभी बनाया था। उसके बाद आपको अपने WHMCS का लाइसेंस डालना है, जो मैं हाइड कर देता हूँ। और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपको। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपने एडमिन नेम देने हैं। आपको यहाँ ईमेल आईडी देनी है, यूजर नेम देना है, क्या गलत हो रहा है यार आपके। फिर आपको कंप्लीट सेटअप पे क्लिक। तो यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको गो टू एडमिन एरिया नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक वार्निंग मिलेगी जिसमें लिखा होगा इंस्टॉल फोल्डर को डिलीट करना है। तो आपको अपने पब्लिक एचटीएमएल पे जाना है। पब्लिक एचटीएमएल पे जाने के बाद आपको बिलिंग पे जाना है और यहाँ आपको इंस्टॉल फोल्डर मिलेगा, उसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इस पेज को दोबारा से आपको रिफ्रेश करना है, तो यहाँ आपका एडमिन एरिया ओपन हो जाएगा। यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ, सॉरी पासवर्ड भूल गया था। 3 बार से ज़्यादा आप अगर लॉगिन फिल करते हो तो आपको WHMCS बैन कर देगा। यहाँ हमारा WHMCS का सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे WHMCS की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के बारे में। अगर आप चाहते हो कि WHMCS की फुल कॉन्फ़िगरेशन की एक स्पेशल वीडियो चैनल पे आए, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय।